सो हेलो गाइस, मेरा नाम है साजी सैफी एंड यू आर वाचिंग ज्ञान ड्रॉप्स। दोस्तों, अगर आपके पास मेरी तरह एक रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट करते हैं किसी भी मर्चेंट को तो उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि जो चार्ज लगेगा वो किसको पे करना होगा, कार्ड होल्डर को या फिर मर्चेंट को। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी पेमेंट की एप्लीकेशन है, जैसे कि आपकी भारत पे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, मोबोक्विक, फ्री चार्ज, जितनी भी लीड एप्लीकेशन है उन सभी के ऊपर आपको क्या क्या चार्जेस देने होंगे, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल एकदम सबूत के साथ क्लियरली डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक रुपए क्रेडिट कार्ड है और आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए किसी भी मर्चेंट को यूपीआई पेमेंट करते हैं तो जो चार्ज लगता है वो किसको देना होता है, मर्चेंट को या फिर आपको देना होगा, यानी कि कार्ड होल्डर को देना होगा। तो गाइस, इसका सिंपल जवाब ये है कि जो चार्ज लगेगा वो मर्चेंट के ऊपर लगेगा, ना कि आपके ऊपर। आप जब भी मार्केट में जाएंगे और अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, चाहे फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर करें, तो जो चार्ज लगेंगे वो मर्चेंट के लगेंगे, आपको एक रुपया भी पे नहीं करना। अब हो सकता है कि मर्चेंट आपसे डिमांड करते चार्ज की, तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो चार्ज लगेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट आप कर रहे हैं यूपीआई पेमेंट, उसके ऊपर एक रुपया भी चार्ज नहीं लगने वाला है। एंड चलिए अब फाइनली बात करते हैं कि अगर आपको खुद के पर्सनल यूज के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पेमेंट निकालना हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा और जो चार्ज लगेंगे वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने कितने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत पे की। तो गाइस, अगर आप भारत पे के ऊपर अपना खुद का अकाउंट बना के, बिजनेस अकाउंट बना के अगर आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट निकालते हैं तो यहाँ जो चार्ज लगने वाला है भारत पे के ऊपर वो लगेगा 1.18%। इसके अंदर GST इंक्लूड है और 2000 रुपये तक अगर आप महीने में पेमेंट ट्रांसफर करते हैं अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से तो 2000 रुपये तक फ्री रहेगा और 2000 रुपये के बाद जो चार्ज लगेगा वो 1.18% लगेगा और ये वेरी करेगा 1.25% तक। एंड उसके बाद अगर हम बात करें फोन पे की तो फोन पे के ऊपर जो आपको चार्ज लगेगा वो 1.98% का चार्ज आपको देना होगा एंड देन उसके बाद आपको 18% GST देनी होगी। ओवरऑल आपको फोन पे के ऊपर 2.2 चार्ज देना होगा। और यहां पर मैं जितनी भी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं वो सभी बिजनेस एप्लीकेशन है, ना कि नॉर्मल एप्लीकेशन। तो यहां फोन पे अगर बिजनेस एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहां ओवरऑल आपको 2.2% का चार्ज देना होगा और यहां भी आप महीने में 2000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं। एंड चलिए फोन पे के ऊपर जो मैंने ट्रांजेक्शन किए हैं वो आपको दिखा देता हूं। वेल दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, फोन पे के ऊपर मैंने एक ट्रांजेक्शन किया था और ट्रांजेक्शन था मेरा 5000 रुपीज का। और 5000 रुपीज पे जो मुझे चार्जेस लगे थे, यानी कि जब मैंने मर्चेंट को 5000 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया तो जो मर्चेंट के अकाउंट में, यानी सेविंग अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए, जो सेटलमेंट हुआ, वो 112.10 रुपये कटने के बाद हुआ। तो दोस्तों, इस हिसाब से यहाँ फोन पे के ऊपर 2.2% का सीधा सीधा चार्ज लगा है, इंक्लूडिंग GST। सबूत आपके सामने है। एंड फाइनली अब बात करते हैं पेटीएम की। तो गाइस, अगर पेटीएम की बात की जाए तो पेटीएम के ऊपर आपको 1.9% का चार्ज देना होगा और साथ में आपको 18% GST देनी होगी। तो दोस्तों, अगर पेटीएम बिजनेस के अगर ओवरऑल चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ भी आपको 2.2% का फुल चार्ज देना होगा और महीने में आप यहाँ भी 2000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पर गूगल पे की। तो गाइस, यहाँ गूगल पे का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी एप्लीकेशन से। चलिए उससे पहले यहाँ पर हम मोबोक्विक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मोबोक्विक बिजनेस एप्लीकेशन के ऊपर पेमेंट ट्रांसफर करते हैं अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI के थ्रू तो यहाँ आपको 2.5% का सीधा सीधा चार्ज देना होगा और इसके अंदर 18% GST इंक्लूड है। एंड सो मोबोक्विक के ऊपर आपको 2500 रुपये फ्री रहेंगे एक महीने के लिए। कुल मिलाकर आप 2500 रुपये तक फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबोक्विक बिजनेस अकाउंट के ऊपर। एंड सो फाइनली अभी बात करते हैं फ्री चार्ज बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप फ्री चार्ज बिजनेस एप्लीकेशन के ऊपर अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो यहाँ आपको जो चार्ज देना होगा वो 2% का सीधा सीधा चार्ज देना होगा और उसके बाद आपको 18% GST भी देनी होगी। ओवरऑल आपको 2.3% का फुल चार्ज देना होगा फ्री चार्ज के ऊपर एंड इसके ऊपर भी आप महीने में 2000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं। एंड फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पर गूगल पे की। एंड सो अगर गूगल पे की बात की जाए तो यहाँ गूगल पे एकदम बिल्कुल डिफरेंट है सभी एप्लीकेशन से। अगर आप गूगल पे के ऊपर अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट, यानी कि यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1 रुपये का भी चार्ज नहीं देना होगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर सबूत दिखाता हूँ। एंड जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने अपने फोन पे के अकाउंट से गूगल पे के मर्चेंट अकाउंट के ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन किए थे
जिसमें कि पहले ट्रांजेक्शन की बात किया है, तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ अजीम प्लास्टिक स्टोर के नाम से जो आपको मर्चेंट देखने को मिल रहा है, ये गूगल पे का अकाउंट है मर्चेंट का। तो भाई सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन मैंने किया था वो 10 रुपये का किया था, और ये मैंने अपने HDFC के टाटा न्यू जो रुपए क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू किया था। एंड फिलहाल मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं रुपए के, एक मेरे पास ये एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल वाला है, और एक मेरे पास HDFC का टाटा न्यू प्लस है जो कि अभी मुझे डिलीवर्ड नहीं हुआ है, बट मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया है और उसको मैं यूज भी कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ मैंने अजीम प्लास्टिक स्टोर के ऊपर 4,900 रुपीज का एक और ट्रांजेक्शन किया, ये भी मैंने गूगल पे के ऊपर ही किया था। एंड उसके बाद मैंने एक और ट्रांजेक्शन किया 1,000 रुपीज का, वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया। एंड उसके बाद मैंने 25,000 रुपीज का एक और ट्रांजेक्शन किया, ये मैंने अपने एक्सिस बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड जो कि रुपए क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो 25,000 रुपए का ट्रांजेक्शन है ये भी मेरा सक्सेसफुली हो गया। एंड चलिए दोस्तों अब मैं आपको मर्चेंट के अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि मर्चेंट के अकाउंट में कितने रुपए सेटलमेंट हुए गूगल पे के ऊपर। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं इस स्क्रीनशॉट के अंदर ये मर्चेंट का सेविंग अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, जिसमें कि 10 रुपए की एक एंट्री आपको देखने को मिलेगी। जो मैंने 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्रेडिट हो गया, 1 रुपया भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगा। एंड उसके बाद जो 4,900 रुपए का ट्रांजेक्शन है गूगल पे के ऊपर वो भी पूरा पूरा क्रेडिट हो गया, यहाँ भी 1 रुपया हमारा एक्स्ट्रा नहीं कटा, गूगल पे ने 1 रुपये का भी चार्ज नहीं लगाया। एंड उसके बाद जो 25,000 रुपए का ट्रांजेक्शन है वो भी पूरा पूरा क्रेडिट हुआ है मर्चेंट के अकाउंट में। तो गाइज यहाँ मैंने आपको फुल सबूत दिखा दिया कि अगर आप गूगल पे के ऊपर अभी फिलहाल की डेट में अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट करते हैं तो आपको 1 रुपये का भी चार्ज नहीं देना होगा, ना तो चार्ज आपको लगेगा ना ही मर्चेंट को लगेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपको तो खैर चार्ज लगता ही नहीं है, ये जो चार्ज लगते हैं ये मर्चेंट को लगते हैं। तो यहाँ जब मर्चेंट को चार्ज नहीं लगेगा तो आपको भी 1 रुपया नहीं देना होगा। अगर आप खुद के लिए पेमेंट निकालना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग अकाउंट में तो आप गूगल पे अकाउंट की हेल्प से यानी गूगल पे के ऊपर आप बिजनेस अकाउंट बनाइए और उसके ऊपर आप अपने लिए फिलहाल की डेट में जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। फिलहाल मैंने 30,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करके देखा है गूगल पे के ऊपर, आपके लिए मैंने वीडियो बनाने के लिए ये ट्रांजेक्शन किए थे, तो यहाँ 30,000 रुपये तक की अमाउंट पे मुझे 1 रुपये का भी चार्ज नहीं लगा है गूगल पे के ऊपर। वहीं यहाँ मैंने बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन किए तो सबके ऊपर जो चार्ज मैंने आपको बताए उतने उतने चार्ज लगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब मैं अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर UPI ट्रांजेक्शन करता हूँ तो 99% जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो रहे हैं। एंड जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरे फोन पे की हिस्ट्री को, यहाँ आपको 99% जो ट्रांजेक्शन है वो फेल दिखाई देंगे। बिकॉज यार ये मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन जब मैं गूगल पे के ऊपर ट्रांजेक्शन करता हूँ अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट तो जो ट्रांजेक्शन है वो ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रहता है हर बार। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर और अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट करते हैं तो आपको किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना चार्ज देना होगा और मंथ में आप कितने रुपए फ्री निकाल सकते हैं अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में। खैर दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ। बहुत बढ़िया।